उत्तर प्रदेश के कासगंज के सिडपुरा पुलिस व इंटेलिजेंस टीम ने आज अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को चार बोलेरो, एक स्कॉर्पियो एवं दो मोटरसाइकिल सहित तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इंटेलिजेंस टीम वो सिडपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर एटा की तरफ से आ रहे हैं। इंटेलिजेंस टीम वो सिडपुरा पुलिस रोड पर पहुंचकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखकर सभी युवक वहां से भागने लगे और पुलिस ने घेराबंदी कर दो वाहन चोरों को धर दबोचा है। वहीं चार आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर छह बोलेरो, एक स्कॉर्पियो एवं दो मोटरसाइकिल व दो तमंचों को बरामद भी किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने पुलिस के इस साहसी कार्य को देखते हुए टीम को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। कुछ दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि जनपद में वाहन चोरों का एक गैंग सक्रिय है। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच के लोग, इंटेलिजेंस के लोग लगे हुए थे हमारे। उनकी एक इनपुट थी जिस पर काम करते हुए सिरपुरा थाना की टीम और इंटेलिजेंस की टीम दोनों ने एक साथ एक्शन किया और दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके और बाकी साथी मुठभेड़ के दौरान भाग गए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से छः बोलेरो गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो, दो मोटरसाइकिलें और अवैध तमंचे इनके मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी है वो है कि इनके पास फर्जी करीब 24 आरसी मिले हैं, 30 फर्जी बीमा मिले हैं, प्रदूषण के कागजात हैं, परमिट है, फिटनेस है, बहुत सारे मुहर हैं, आरटीओ हरियाणा और आरटीओ अलीगढ़ की मुहरें हैं और भी इंश्योरेंस कंपनी इफ़को और TGR002 करके दो कंपनियां हैं, उनकी मुहरें हैं। इस तरह से जो एविडेंस के तौर पर जो बरामद हुआ है वो इस बात का द्योतक है कि ये लोग एक बड़े ही संगठित तरीके से वाहन चोरी को न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी अंजाम दे रहे थे। और अभी जो रिकवरी हुई है वो तो बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए मैं पुलिस जो सक्सेसफुल टीम है उसको 5,000 बतौर इनाम घोषणा करता हूं और इनको और भी रेंज और जोन स्तर से भी इनाम के लिए मैं संस्तुति करूंगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह गैंग विभिन्न दफ्तरों तक, ऑफिस तक भी फैला हुआ है और जब विवेचना होगी तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाएँ। सर, जैसा कि हमने बताया गया कि आरटीओ की जो मोहरें मिली हैं, तो क्या अब तक कोई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे कि हो सकता है जिले के कोई अधिकारी या ऑफिस वाले इसमें सम्मिलित हों? नहीं, अभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, बरामदगियां हुई हैं। अब इन बरामद जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वस्तुएं हैं, इनसे इनकी एनालिसिस होगी, इन पर विवेचना होगी। जो बाकी फरार लोग हैं, सुरेंद्र, वीरेश, धीरज और नरेश, वो गिरफ्तार होंगे, उनसे बयानात, उनके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद खुल के सामने आएगा कि ये कितने बड़े लेवल पर फैला हुआ था। इतना निश्चित है कि ये मात्र गाड़ियों को लिफ्ट करने वाला गैंग नहीं है जो ऑटो लिफ्टर कहा जाए, बल्कि ये पूरा ठेका लेता है कि उसके कागजात तैयार करेंगे और उसे अच्छी तरह से संचालित करने में सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट।